मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में लिव इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हमेशा की तरह प्रमोट करने के साथ हमेशा आपके साथ ऐसी पर्सनैलिटीज को मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की की होती है बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए नाम दुनिया में रोशन किया होता है। और आज मेरी ये जो एपिसोड होने जा रही है, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये 105 एपिसोड होगी। और मेरे लिए बाइस फ़ख्र बात है कि जितने प्रोग्राम हैं एक से बढ़कर एक है, मेरे बड़े अच्छे चाहने वाले। और मैं समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं गवर्नर पंजाब का आज इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और आज बाबू से तबीयत तक के इस सफ़र में उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो बचपन के ख्वाब जो गवर्नर साहब देखा करते थे, और बहावलपुर से चलने वाला एक लड़का किस तरह से इंजीनियरिंग की उसने और कैसे ये ईवानों तक पहुंचा। और गवर्नर साहब, सबसे पहले जो कि मेरा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीयत तक, तो थोड़ा सा माजी के जोड़ों को मैं जरूर चाहिए, मुझे बताइएगा बचपन की कुछ यादें कि किस तरह से आपने परवरिश आपकी हुई और किस माहौल में हुई और कैसे पलते पढ़ते। नो डाउट आपके वालिद मोहतरम का भी सियासत से तलक रहा है। ख्वाबों से तबीयत तक, यकीनन कहते हैं ना कि रात ख्वाब देखने के लिए होती है और दिन उसकी ताबीर तलाश करने के लिए या उसके लिए मेहनत करने के लिए होता है। पर इंसान को हमेशा अपने अज़ाइम बुलंद रखने चाहिए और हौसले बुलंद रखने चाहिए और उसकी तकमील के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुख्तलिफ बात तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं अपने वालदैन का इकलौता बेटा, कोई और बहन भाई नहीं था, तो तमाम तर तवज्जो का महवर नहीं होता था। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमेशा वालदैन जो है उनकी तवज्जो रखी। मैंने तो हमेशा ये चाहा कि मैं अपने अंदर जो है सबसे पहली ये ज़रूरत कि अपने रब को राज़ी करना चाहिए और अल्लाह ताला से राज़ी होते हैं उसके मखलूक की खिदमत की जाए। मेरे परदादा जो है वो उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस बहरपुर का कायम किया और मताबे अल अज़ीज़ के नाम से, और वहाँ पे एक माहनामा रिसाला भी लिखता था, कुरान करीम का पहला सिलाई की तर्जमा भी किया। और दूसरी वजह शोहरत हमारे ख़ानदान की जो है हमारे बुजुर्ग भावलपुर में, रियासत भावलपुर में कारोबारी शख्सियात थे और कारोबार के साथ मुंसलिक थे। और उस वक्त प्री पार्टीशन सब कथाओं के पुतले हैं, हमारे में बहुत सी कमियाँ भी रहती हैं, तो हमें अपनी कमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और वो कोशिश करते हैं कि वो रखें। लेकिन उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने हमसे कुछ अच्छे काम कराए, वजारत 2013 के बाद वजीर रहा तो तालीम की तो डायरेक्टली ज़िम्मेदारी थी, तो उसके हवाले से तालीम के अंदर बहुत सी असलाहत, नया निसाब, मुसलमान बच्चों के लिए कुरान करीम की तालीम लाजमी करार देना और मुख्तलिफ और चीज़ें थी। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं इरादों की तकमील है, ज़रिया अल्लाह ताला ने बेहतर बनाया। पौधे जो हैं वो कभी ख्वाहिश नहीं रही, कभी नहीं, कुछ दोस्त जो हैं वो उसके लिए दबाव भी डालते हैं, वो समझते हैं उनका हक है, हमने ऐसा भी कभी नहीं किया। लेकिन पार्टी ने जब भी पौधे दिए अल्लाह के करम से तो फिर उनको निभाने की पूरी कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आर्जी, जो पौधे उससे भी ज़्यादा आर्जी, तो इसमें हमें अपना भरपूर इसको इनपुट देनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए बल्कि उससे भी ज़्यादा, ताकि सो दैट वी शुड बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। तो ये छोटी सी कहानी। वन सब वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी, और माशाल्लाह नूरानी सा चेहरा है आपका और बहुत ही बादरवेश किस्म का इंसान गवर्नर पंजाब की यानी कि सीट के ऊपर। मैं पहले तो मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि आप थोड़ा सा इसमें मिसफिट तो नहीं है कहीं, लेकिन जब मैंने जू जू आपकी पर्सनैलिटी को समझना चाहा तो मैंने देखा है कि आप खुद से भी नहीं चाहते थे कि आपको गवर्नर बनाया जाए, और आप इस लॉबिंग का हिस्सा भी नहीं थे, आपकी ख्वाहिश नहीं थी, ठीक है।
तो सर ये सब कुछ किस तरह से आप कर लेते हैं इसीलिए, जबकि सियासत में तो झूठ सारे फ्रिस्त है, सबसे पहले आता है, जबकि आपकी पर्सनैलिटी में तो मुझे नहीं लगता कि आपने, और मशहूर है आपके बारे में, ना वादा खिलाफी करते हैं और ना ही कोई इस तरह के कतल मुकाम नहीं है कि आप झूठ को खोलें, तो सर ये हाउस ये नहीं किस तरह से ये मैनेज हो जाता है? देखिए मैं तो इस बात को समझता हूँ कि पहचान चीख होता हूँ। आज सुबह भी मुझे दो यूनिवर्सिटीज़ में तलबा से खिताब करने का, बात करने का मौका मिला, एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में आज सुबह मैं गया हुआ था, उसके बाद एक पब्लिक सेक्टर मारूफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूवास के नाम से मशहूर है, वहाँ पर उनके कॉन्वोकेशन एड्रेस कर रहा था। तो दोनों जगह पर मैं बच्चों को यही बता रहा था कि आपको ये एक जहन में चीज़ बावर कर लेनी चाहिए कि दायमी कामयाबी सच्चाई में, और जब, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बताता हूँ कि मैं खुद उस पर यकीन रखता हूँ, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं, सही रास्ते पे चलते हैं तो बज़ाहिर वो आपको नज़र आता है कांटों से भरा हुआ और मुश्किल, लेकिन जैसे ही आप उसमें कदम रखते हैं आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाती हैं कि वो शायद अल्लाह ताला से एक थोड़ा सा आपका इम्तिहान होता है कि भी आपने सही और गलत में तमीज़ की है या नहीं की, वो चीज़ इतनी सी बेईमानी ना करें तो काम नहीं चलता, लेकिन उसके बरक्स आप देखें कि जो लोग बेईमानी नहीं करते वो कामयाब होते चले जाते हैं, और ग्रेजुअली और बड़ी तेज़ी से, मतलब ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ वो ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं कि नो लुकिंग बैक। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त गवर्नर पंजाब मेरे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है, और इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक ट्रैफिक हादसे में जो मेरा बेटा, बड़ा बेटा, उसको 13 साल का था, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, मेरी अहलिया अल्लाह को प्यारी हो गई, और मेरा छोटा बेटा जो उस वक्त 9 साल का था वो शदीद जख्मी हो गया। गवर्नर इंजीनियर वलीगुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी गवर्नर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत हार्ड टाइम भी आया है, मुश्किलात भी आई हैं, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, एक वाक्य ऐसा भी है जिसने नो डाउट आपकी ज़िंदगी को झंझोड़ के रख दिया था, जिसमें आपके 3 प्यारे, ठीक है, आपका बेटा, आपकी मिसेस और आपकी शायद वालदा, मेरी वालदा के कुछ अरसे बाद उसी साथ, आप किस तरह से देखते हैं वो वक़्त तो गुजर गया है और उसने बहुत ज़्यादा मैसेज भी आपको दिया होगा, शायद कुदरत के और करीब ले आया होगा, थोड़ा सा शेयर करें। जी हमें हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लेहा, जो इंसानी रिश्ते और गुरबतें होती हैं जब वो टूटती हैं तो बहुत तकलीफ। एक ट्रैफिक हादसे में जो मेरा बेटा, बड़ा बेटा, उसको 13 साल का था, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, मेरी अहलिया अल्लाह को प्यारी हो गई, और मेरा छोटा बेटा जो उस वक्त 9 साल का था वो शदीद जख्मी हो गया, और 6 हफ्ते वो बेड पे रहा, पहले बहुत फ्रैक्चर था और चोटें थी, एक और बेटी भी उस गाड़ी में थी, लेकिन उसको अल्लाह का शुक्र रह गई, बहुत कम चोटें आई, लेकिन बहरहाल एक ट्रॉमे से, एक शौक से गुजरे सब, तो पूरे शहर, मेरे लिए नहीं पूरे शहर के लिए सब ने उसमें मेरा गम बांटा, पूरे मुल्क से, पूरे दुनिया से लोगों ने दुआएँ भी दी, तो जैसे नहीं दुआओं का सर था कि अल्लाह ताला ने बहुत सब्र अता फरमाया, और अल्लाह ताला ने उस लम्हे में भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाई। इंसान अपनी सोच के जाविये जब बदलता है तो हालात भी बदल जाते हैं। मैंने जब ये जो मेरा बेटा पैदा हुआ था, ये 3 बेटियों के बाद शादी की हुई, 10-12 साल के बाद बड़ा बेटा पैदा हुआ था, तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये 13 साल की उम्र तक ये जिंदा रहा है, 13 साल पहले अगर ये तोहफा मुझे ना मिला होता तो मेरे ये 13 साल कितने खुश होते, क्योंकि इसको देख देख के मुझे खुशी मिलती थी, तो मैं उसके जाने पे गमगीन होने की बजाय मैंने अल्लाह का ये शुक्र अदा करना शुरू कर दिया कि अल्लाह तुमने मुझे 13 साल के लिए इतना अच्छा तोहफा दिया था जिस देख के मैं खुश होता था, तो वो मेरा जो गम था ना वो शुक्र में बदल गया। तो ये सोच के जावी बदलने से इंसान को बहुत ढारस भी मिलती है, अचानक
बगैर हॉस्पिटलाइज हुए, थोड़ी देर में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। और 2019 में तो एक ही फैमिली, एक ही घर से तीन आपकी जनरेशन है वो चली जाएँ, वाइफ आपकी हम असर होती हैं, बेटा आपकी अगली जनरेशन होता है, वालदा आपसे पहले की जनरेशन है, तो एक बहुत बड़ा खला और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। घर से कोई बच्चा किसी एजुकेशनल कॉलेज में भी अगर बोर्डिंग हाउस में चला जाए, उसकी भी कमी महसूस होती है कि घर में ये शख्स आज कम है। तो अगर कोई परमानेंट सफ़र पे सुधार जाए तो उसकी तो ज़्यादा कमी महसूस होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत कर्म किया और हम चीज़ें आगे चली और बेहतरी की तरफ गई, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह के मानते थे अल्लाह के पास बहुत से खुशगवार लोग हैं। मैं तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। गवर्नरशिप तो जिम्मेदारी वाला और बोझ वाला लम्हा था, उसमें मैं इतना परेशान हुआ कि मुझे मेरे दोस्त कहने लगे कि आप कहीं नाशुक्री तो नहीं कर रहे, कि ये तो बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात है और जनरेशन में किसी हिस्से में या किसी ख़ानदान के हिस्से में आती है ये एजाज़। तो फिर मैंने अपने सोच के हिसाब उसमें भी तब्दील किया, लेकिन शुरू में मैंने बोझ महसूस किया, बल्कि कुछ दिन तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहा जो कभी मुझे नहीं हुआ था, पूरी उम्र में हाइपरटेंसिव नहीं था। तो लेकिन गवर्नरशिप के अलावा बहुत से और रमे हैं, जब भी मेरा किसी अच्छे अपनी पसंद के आईवी लीग यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, मैं बहुत खुश था। तो वो मैं बहुत खुश था कि मैं एक वर्षा से ही हो गया। भावरपुर के यूनिवर्सिटी का चार्टर मंजूर कराया तो बहुत खुशी का दिन था। भावरपुर में सिविल हॉस्पिटल भावरपुर की मंजूरी हासिल की और मुझे उसका फैसला हुआ तो बहुत खुशी का दिन था। तो खुशियाँ बेशुमार हैं, हम तेरा अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम। गौर सर, आपकी पार्टी ने और आपकी लीडरशिप ने आपका इतमाद किया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लीडरशिप का जो उधर बड़े अच्छे तरीके से खुशसूबी से सबको सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आप ज़्यादा किसकी च्वाइस थे, मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, कि दोनों की यानी कि दोनों की ख्वाहिश के ऊपर ये हुआ? जहाँ तक मुझे पता है कि मैं दोनों की ख्वाहिश भी था, और मुझे ये भी बताया गया कि जब मेरा नाम बाकी टॉप लीडरशिप से शेयर किया गया था तो सब ने उसको बहुत ज़्यादा इंडोर्स भी किया और पसंद भी किया। तो ये सबकी मेहरबानी। और बाकी जो आपने कहा कि वैसे गवर्नर काम कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कमी है। लाइक टू डू अ लॉट मोर देन दिस। अभी हमने यूनिवर्सिटीज़ को के अंदर मिल के वाइस चांसलर्स को इकट्ठा करके पाकिस्तान के मसाइल, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंसोर्शियम कायम की है, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन पर कंसोर्शियम कायम की है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एजुकेशन की फर्दर प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर कंसोर्शियम कायम किया हमने। और ये 7 एरियाज़ में स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में जो एक ग्रोइंग कंसर्न है कि मनशियात का इस्तेमाल, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, उसके ऊपर कंसोर्शियम कायम किया है। तो इस तरह ये ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पूरे पंजाब में बहुत सी अच्छी फैकल्टी रहती है जो दुनिया की मारूफ जामियात से पढ़ के आई है, उनकी हम साहियतों को इस्तेमाल करके, वाइस चांसलर्स को इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर पॉलिसी मेकिंग जो है वो बेहतर करने के लिए उनका इनपुट भी हासिल कर सकें। तो इस तरह के बहुत सी और चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। तालीम के अंदर एक बैकग्राउंड भी रहा और फिर एज गवर्नर, एज चांसलर देखना है, तो एज गवर्नर और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ या इरादा है, अभी कर नहीं पाया। तो लेकिन ये बड़ा आरजी होता है, जब तक यहाँ पे हैं कोशिश करते हैं। ये बने साहब, ख्वाबों का सिलसिला, ये जो मैं समझता हूँ ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी का कोई हासिल नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए आप ख्वाबों के ऊपर यकीन रखते हैं? देखिए, हमें ख्वाब जो हैं जब तक ना देखे जाएँ तब तक मंजिलें नहीं मिलती, और इंसान को अपना वीएम जो है वो हमेशा ऊँचा रखना चाहिए और वीएम ब्रॉड रखना चाहिए। बचपन में इंसान के ख्वाब होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख्वाब शेप अप होते जाते हैं। आपका मुतालिया और आपकी तालीम और आपका जो एक्सपोजर है डिफरेंट, और आपका माहौल उन ख्वाबों को तराशता चला जाता है। तो बहरहाल ख्वाब जो हैं वो बहुत ज़रूरी,
और ख्वाब देखने चाहिए। पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, कुछ बड़ों ने ये ख्वाब देखे थे कि एक खिताब बनना चाहिए, तो इसी तरह ही काम हो सकते हैं। और आज हमारा ख्वाब यही है कि पाकिस्तान एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान बने, एक खुद इनसारी वाला पाकिस्तान बने। आज पाकिस्तान ऐसा हो कि जिसके अंदर जो दुनिया की पाँचवीं बड़ी आबादी है वहाँ के तालीम और तरबियत ऐसी हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो कल है, हमारा जो मुस्तकबिल के मामार हैं हमारे बच्चे, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रेलेवेंट हों, अच्छाई की सोच वाले हों और अच्छा डिलीवर करने वाले हों और पूरी दुनिया में उनका नाम हो, उनकी पहचान हो, तो इसी में ही हमारी कामयाबी। अच्छा सर, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी हैं पंजाब की, चांसलर सॉरी। तो सर थोड़ा सा अभी एक नई चीज़ आई है सामने आफ्टर कोविड, देखा हो ई कॉमर्स जो बड़ा इम्पोर्टेंट दुनिया को चेंज करके रख दी है, तो सर ई कॉमर्स के हवाले से आप समझते हैं कि उसका पोटेंशियल तो है ही लेकिन दुनिया में, तो आपकी यूनिवर्सिटीज में कोई कोर्सेज वगैरह इसको लाया जा रहा है, आगे प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं? देखिए, हमने तो जब मैं वफाकी वज़ीर तालीम था 2013 से 2018, उससे पहले जब पंजाब हुकूमत में था, तो आपने देखा कि PMLN की गवर्नमेंट ने हमेशा ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए। PITB का फ्रो, उसकी बेहतरी, उसके अलावा लैपटॉप बच्चों को देना। आप देखिए, जब लाखों लैपटॉप बच्चों को सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे दिए जा रहे थे, और किसी वजीर तालीम का या किसी भी वजीर का या किसी MNA MBA का, इवन वजीर आजम या वजीर आला का भी डिस्क्रिशनरी कोटा एक लैपटॉप भी नहीं था, और सिर्फ बच्चों के नंबर पे, चाहे वो किसी भी जमात के नारे भी लगा रहे हैं तो उनको नंबरों के हिसाब से लैपटॉप दिया गया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान 2018 तक टॉप 5 ई लैंसिंग कंट्रीज़ में आ गया, और पूरी दुनिया में एक बात की जाती है जिसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड ये होता है कि जो बच्चे टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं कर पाते और उनके पास वसाइल नहीं होते, वेज एंड मीन्स नहीं होते, वो डिजिटल डिवाइड के उस पार होते हैं। तो पाकिस्तान का ये प्रोग्राम पूरी दुनिया के कई ममालिक में कोट हुआ, किस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ई डिवाइड को कम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसकी बहुत इसको अहमियत देते हैं, और अभी भी जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स हैं या मुख्तलिफ जगह है, अभी मैंने जो कंसोर्शियम्स का आपको जिक्र किया, एक कंसोर्शियम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आज टेक्नोलॉजी के बगैर उसका तसव्वुर नहीं है। तो इसी तरह एक कंसोर्शियम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स और ई रोज़गार और ये सब चीज़ें आज आज सुबह भी मैं जब कम्युनिकेशन से बात कर रहा था तो बच्चों को यही कह रहा था कि आपने सिर्फ नौकरियां ज़रूर ढूंढें लेकिन मायूसी में हरगिज़ जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए, एंटरप्रेन्योरशिप को इसके ज़रिए आप आगे बढ़ें और अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करें। लास्ट क्वेश्चन सर, पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी को आपसे बहुत लगाव है, उतना से ज़्यादा लगाव आपको भी है, वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी आपसे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप किस तरह से ये देखते हैं? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी जो है, मैं समझता हूँ कि वो हमारे माशरे का एक ताबनाक हिस्सा है, और कोई भी कारोबारी शख्स मैंने ऐसा नहीं देखा जो अपना टैक्स अदा करने के अलावा, जो भी वो टैक्स अदा करता है वो कार्य खैर में ना देता हो, लोगों की मदद ना करता हो, कोई सदका खैरात ना करता हो, कोई तो प्रॉपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में बहुत लोग पाकिस्तान में असखुद कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान रेट होता है दुनिया में फिलेंथ्रो। तो अब फ्लड्स आए थे, फ्लड्स का अभी भी सिस्टम चल रहा है, अभी भी कारोबारी हजरात लाहौर के और बाकी पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं, और हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि बिजनेस कम्युनिटी का तो हक बनता है कि गवर्नर हाउस जो है उनकी मदद करे, और मुझे भी बहुत खुशी होती है, वो भी खुश होते हैं यहाँ आके। और मैंने जिस दिन से मैं आया, अगले दिन से बिजनेस कम्युनिटी से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री FPCCI हो या और इदारे हों या डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स हों, तो वो मुझसे मिलते हैं और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो आज मैं करियाना एसोसिएशन जो है उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो बात यह है कि उनके जो मसाइल हैं मैं सुनता हूँ और उस पर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ।
यानी पंजाब गवर्नमेंट को भी अगर उनके मामला हैं तो वहाँ भेजता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजता हूँ, सो मच सो कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से खुद मिल के, चीफ मिनिस्टर से खुद मिल के, प्राइम मिनिस्टर से खुद मिल के मैंने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए बात की, और कई मसाइल हल भी हुए, और उस पर कारोबारी हजरात ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम पहले भी आते रहे थे लेकिन जिस तरह से मुख्तसर अरसे में फेडरल बजट में ये टैक्स जो है वो वापस हुआ, या फलां फलां रिलीफ्स हमें मिले, या फलां फलां जगह पे हमें हमारे इश्यूज को एड्रेस किया गया, वो कहते हैं इसकी मिसाल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इंसान कोशिश कर सकता है, बीज लगा सकता है, फल फूल लगाते हैं, तो अगर मेरी वजह से कोई मैं फैसिलिटेट करूँ पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को जो रोज़गार देने का बायस बनते हैं लोगों को, और जो जिनकी वजह से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, तो यकीनन ये मुल्क के लिए सबके लिए बेहतर की बात है। देखा जाए तो ये सदका जारी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला ने ये हमसे अच्छा काम देते हैं और आपको चुन लिया गया इस वजह से, बस अल्लाह ताला हमसे अच्छा काम दे दिए। जैन में जनवरी 2023 में मियां नवाज़ साहब को हम पाकिस्तान में देखते हैं कि कहीं, ये बड़ा 100 मिलियन क्वेश्चन है सर जी। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि वो आज ही आ जाए, लेकिन अभी देखें कि उनकी सेहत के मामला जो हैं और बाकी चीज़ें कैसे चलती हैं, इंशाल्लाह तो करनी चाहिए कि वो जल्दी वापस आए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरे लिए, वही दोबारा से रिपीट करूँगा, बहुत बड़ा इंटरव्यू था आपके साथ ये, और सर आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे मॉडर्न स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है सर, सर ये आपके लिए गिफ्ट है जी। बहुत शुक्रिया। रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।